राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने तेहरान जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने पोस्ट में बताया कि भारत की ओर से शोक समारोह में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति ईरान गए हैं। 19 मई को रईसी का हेलीकॉप्टर ईरान अजरबैजान बॉर्डर के पास गया था। इसमें विदेश मंत्री हुसैन समेत कुल 9 लोग सवार थे। तभी शहर में अंतिम यात्रा के बाद उपराष्ट्रपति के शव को तेहरान लाया गया। ईरानी उपराष्ट्रपति मोहसिन मंसूदी ने बताया कि 23 मई को उन्हें ईरान के मशहद शहर में दफनाया जाएगा और इसी शहर में रईसी का जन्म हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईरान के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। इससे पहले 21 मई को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दिल्ली में ईरान के दूतावास का दौरा किया था। ईरान में 23 मई को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। रईसी के अंतिम संस्कार से पहले देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह प्रार्थना करेंगे।